का दिन है, मैं अपने घर नहीं गई हूँ, मैं एक सत्याग्रह कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि अब बस बहुत हो गया, छोटी बच्चियों के कम से कम बलात्कार तो बंद होने चाहिए। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई बलात्कार करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस आदमी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर समाज में एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा और तभी जाकर ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ लोगों को डर लगने लगा है इस तरीके के पाप के अगेंस्ट। इसलिए हम लोग इस वक्त सत्याग्रह कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। पर बहुत दुख की बात है कि एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसी बीच में अब 1 महीना हुआ है, इसमें एक 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और इतनी बर्बरता से उसके साथ बलात्कार किया गया कि वो मर गई। साथ ही 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, ये ऐसे हो गया है कि मतलब शुरू तो हो गए हैं लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि वो क्या उस वक्त महसूस कर रही थी, कितने दर्द में है। अब दोबारा उसको एक ऑपरेशन उसका होगा और ये बार 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 बढ़ रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है पर हम लोग रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाए जा रहे हैं। और जब दिल्ली महिला आयोग ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, व्हाई इज इट दैट वी आर द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो बड़ी अजीब सी बातें सामने आती है। सबसे पहले तो ये कि दिल्ली पुलिस पिछले 2012 से 14 के बीच में दिल्ली पुलिस ने 31,446 महिलाओं के और बच्चों के खिलाफ अपराध रजिस्टर करे हैं दिल्ली में, और इनमें से सिर्फ 150 लोगों को सजाएं हुई हैं। 31,000 अपराध रजिस्टर होंगे और 150 लोगों को सजाएं होंगी, तो नो वंडर वी आर द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सच ये है कि इस देश में किसी को डर नहीं लगता। अगर एक लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी से वापस जाती है अपने घर में बस में, तो उसके साथ अश्लील हरकत होती है, वो आदमी अरेस्ट तक नहीं होता। एक 6 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूं, मैं बता नहीं सकती कि क्या महसूस करती हूं जब मैं इन बच्चियों को देख कर आती हूं। ये बच्चियां, इनकी आंखें, इनकी ये पूरा, इनके पूरे परिवार सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से और मेरे को लगता है किसी के पास जवाब नहीं है। और इसीलिए दिल्ली महिला आयोग ये डिमांड कर रहा है कि हर हाल में छोटी बच्चियों के रेप के मामले में 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दीजिए, एक डर बिठाइए, एक स्ट्रांग मैसेज दीजिए, तभी जाके दिल्ली या देश में कुछ बदलाव होगा। इसको हमने फिर और थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करी तो ये समझ में आता है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको केस का निपटारा करना है, अगर आपको केस में किसी को दोषी साबित करके उसको सजा देनी है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि पुलिस के हमें संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस पिछले 10 साल से 66,000 पुलिसकर्मी मांग रही है केंद्र सरकार से, और मिले कितने हैं? आज तक एक भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम जाते हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आज आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दिल्ली में चले जाइए, आप ये देखेंगे कि कोई भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जो अपनी पूरी सैंक्शन स्ट्रेंथ उसके पास हो। हर पुलिस स्टेशन जितना स्टाफ होना चाहिए उससे के आधे पे काम कर रहा है, तो बताइए जनता की ड्यूटी कैसे करेंगे? जितने वीआईपी हैं सबको सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन जो जनता है उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही दिल्ली पुलिस, क्योंकि पुलिसकर्मी ही नहीं है। साथ ही साथ पुलिस के रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है, पुलिस के रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही साथ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। बहुत ही शर्म की बात है, दिल्ली महिला आयोग जाता है, अलग अलग जगहों पे जाता है, शराब के नेक्सस हम लोग एक्सपोज करते हैं, हम दिखाते हैं कि कैसे अवैध शराब कहाँ कहाँ बिक रही है, अवैध ड्रग्स बिक रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं को पता होता है, दिल्ली महिला आयोग को पता होता है, पर दिल्ली पुलिस को कभी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की जब तक जवाबदेही तय नहीं करी जाएगी, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं बनाई जाएगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो पुलिस की जवाबदेही तय होने की जरूरत है, और इसके लिए हम बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर तो बना दो। हम डिजिटल इंडिया के समय में जीते हैं और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है पुलिस की फंक्शनिंग को डिजिटाइज करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर सुबह सुबह पुलिस कमिश्नर उठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे कितने केसेस पेंडिंग है, कौन सा एसएचओ परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एसएचओ नहीं परफॉर्म कर रहा, कितने पुलिस स्टेशन में कितने महिलाओं के खिलाफ अपराध आए। अरे, एक सॉफ्टवेयर बनाना बहुत जरूरी है और उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि निर्भया का बलात्कार हुआ, निर्भया के साथ मर्डर हुआ, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बनाए गए लेकिन वो फास्ट ट्रैक तरीके से काम नहीं कर रहे।
अभी कुछ दिन पहले मैं निर्भया की माँ से मिली थी और उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मुझे लगता है जिंदगी भर मेरा पीछा करेगी ये बात, उन्होंने ये कहा था कि कभी कभी लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी मर गई, कम से कम ये जो न्याय पाने की जिल्लत है वो तो उसे महसूस नहीं करनी पड़ रही। आज दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पहले एक बच्ची के साथ कुछ लोग रेप करते हैं और फिर पूरा का पूरा सिस्टम मिलके रेप करता है, और इसको बदलने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कोर्ट जा चुकी हूँ, मैं लीडर्स के पास जा चुकी हूँ, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, ऐसा कुछ बचा नहीं है जो दिल्ली महिला आयोग ने करा नहीं हो इन 2.5 सालों के कार्यकाल में। एक साल के अंदर अंदर 12,000 केसेस की सुनवाई करी है, 3.25 लाख कॉल्स हमने 181 हेल्पलाइन पे अटेंड करे हैं, हजारों लड़कियों को हमने रेस्क्यू करा है, 5,500 से ज्यादा कोर्ट केसेस में सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स की हमने मदद करी है, 1869 काउंसलिंग सेशंस, 7,500 से ज्यादा ग्रास रूट विजिट्स, 55 रिकमेंडेशंस दी हैं सरकारों को, और दिल्ली महिला आयोग पूरे देश का इकलौता आयोग है जो कि शनिवार को भी ऑफिशियली काम करता है और संडे दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। पर आज मुझे लगता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, और कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि दिल्ली महिला आयोग इतना काम करने के बावजूद आज एक सत्याग्रह कर रहा है। 34 दिन हो गए मुझे घर गए हुए, मेरा भी घर है पर मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि वो जो बच्ची है, जो 8 महीने की बच्ची है, मुझे लगता है वो मेरी भी बच्ची है। मेरे लिए बस वो एक दूसरा केस नहीं है, मैं अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकती, मैं जिंदगी अपना एक अखबार का पन्ना पलट गया और मेरी जिंदगी आगे बढ़ जाए, मैं ये होने नहीं दूंगी। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में एक कॉमा लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी एनर्जी अब इसी चीज पे लगाऊं कि छोटी बच्चियों के रेप अब दिल्ली में देश में ना हो, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, सब लोग जुड़े। हम लोगों ने एक रेप रोको आंदोलन लॉन्च करा है और ये रेप रोको आंदोलन में इस वक्त बहुत लोग जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, हर तरीके के हर वर्ग के लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ आंदोलन करें, शांतिपूर्वक सड़कों पे उतरें और ये जो कल्चर है हमारे देश में जिसमें रेप पे चुप्पी है उसको तोड़ें। तो स्वाति जी, ये जो आंदोलन है इसको लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, उन लोगों के मन में जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मन में जो ऑलरेडी जुड़ना चाहते हैं। तो आपसे मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल ये है कि हमारे देश में पहले से ही ऐसे कानून हैं जो काफी सख्त हैं, पॉस्को भी है, तो ऐसा क्या आप कानून लाएंगे या ऐसा क्या कानून हमें लाने की जरूरत है जिससे रेप कम होगा? जी, पॉक्सो कानून है और पॉक्सो कानून ये कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर छोटे बच्चों के साथ कुछ बलात्कार होता है या कोई गलत घटना की घटी जाती है तो 1 साल के अंदर अंदर उसका निपटारा होना चाहिए केस का, और साथ ही साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की उसमें प्रावधान है। लेकिन अगर आप पुलिस को संसाधन ही नहीं दोगे, अगर 66,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में मिसिंग होंगे, अगर आपका पुलिस का कोई डिजिटाइजेशन नहीं होगा, पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं होगी, तो मुझे बताइए कि किस तरीके से सिस्टम बनेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है ही नहीं, तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं दिए जाएंगे तो कैसे लोगों के अंदर डर बैठेगा। तो कानून है, पहली बात तो कानून को भी थोड़ा और स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है। 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा पापी जिसने छोटी बच्ची की बलात्कार किया है उसको हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर फांसी दीजिए, इस तरीके का सिस्टम बनाइए, और साथ ही ये हो सके इसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है। जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तब तक कोई सही मायने में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपने अभी कहा कि दिल्ली पुलिस पिछले 10 सालों से 66,000 पुलिस कर्मी की मांग कर रही है, तो ये ताजुब की बात है कि 10 साल से जब वो मांग कर रहे हैं तो वो पूरी नहीं हुई, तो ये क्यों नहीं पूरी हुई, ये कौन पूरी करेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर आती है, और मैं नहीं समझ सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्र सरकार इतनी इनसेंसिटिव हो रखी है इस वक्त कि हम बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मतलब बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया, ये उस बच्ची का रेप नहीं है। मुझे लगता है कि ये दिल्ली महिला आयोग का रेप है, आज इसलिए मैं सत्याग्रह कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि पूरे पूरे देश का रेप है। कोई विकास नहीं हो सकता हमारे देश में अगर 8 महीने की बच्चियों के हमारे देश में रेप होंगे, और कल क्या गारंटी है कि 8 दिन की बच्ची के साथ रेप हो जाए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस बात पे बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट जा चुकी हूँ, मैं हाथ जोड़ चुकी हूँ, दिल्ली महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, कटोरा लेके मैं खड़ी हूँ, मैं बस ये डिमांड कर रही हूँ कि कुछ एक्शन कीजिए। 66,000 पुलिसकर्मी दिल्ली को क्यों नहीं दिए जा सकते? मुझे लगता है जब तक ये सवाल
पूरे दिल्ली का, पूरे देश का नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मुझे लगता है सरकार को भी ये लगता है कि ये इकलौती महिला आयोग है, बस यही बोलते रहते हैं, इसीलिए हमने रेप रोको आंदोलन लॉन्च करा है, क्योंकि 8 महीने की बच्ची कल आपकी भी हो सकती है, कल सबकी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें। आज हमारे पास, जब से हमने रेप रोको आंदोलन लॉन्च करा है, ऑलरेडी लाखों पत्र आ गए हैं पूरे देश से, सब ये डिमांड कर रहे हैं कि जी पुलिस की रिसोर्सेज भी बढ़ाइए, पुलिस की जवाबदेही भी तय कीजिए और ऐसा सख्त कानून बनाइए कि 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा। नहीं, आपने कहा कि कई सारे पत्र आ गए, लाखों पत्र आ गए, पत्र आप प्रधानमंत्री के पास भी दे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी भी होनी चाहिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डेथ पेनल्टी अगर लागू करी जाए, कि अगर चाइल्ड रेप हो रहे हैं उनको डेथ पेनल्टी दी जाए और पुलिस वाले बढ़ाए जाए, तो उससे क्या रेप कम होगा कि नहीं होगा? देखिए, जब तक सर्टेनिटी और स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा, मतलब हर हाल में सजा हो और तुरंत सजा हो, तब तक समाज में एक डर नहीं बैठेगा। आज की सच्चाई ये है कि किसी को डर नहीं लगता। अश्लील हरकत बस में खुलेआम सबके सामने होती है, ना तो लोग कुछ बोलते हैं और ना ही वो आदमी पकड़ा जाता है। जो होली आती है, होली जैसे त्योहार में भी लड़कियों के कॉलेजेस में सीमन बलून में भर भर के फेंका जाता है और ना तो वो आदमी पकड़े जाते हैं, ना ही कुछ खास बदलाव होता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर डर नहीं है, मानसिकता लोगों की खराब हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी करेंगे, एक 8 महीने की बच्ची के साथ रेप होगा, क्या फर्क पड़ेगा। ये 8 महीने की बच्ची अब अगले 16 साल अलग अलग जगहों पे जाकर अपना बार बार रेप कराएगी और बोलेगी हाँ मेरे साथ रेप हुआ था, हाँ मेरे साथ रेप हुआ था। मुझे लगता है ये बदलने की जरूरत है। डेथ पेनल्टी बिल्कुल मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एक आदमी जो 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, मुझे नहीं लगता कि उसको मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, अगर आप बाकी देशों में भी देखिए, स्विफ्टनेस एंड सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होता है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी, डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो उनसे मेरा ये कहना है कि बाकी मांगों पे तो आप साथ आइए, 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में केस का ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, इस पे तो साथ आइए, डेथ हुआ था या नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह है, चुप्पी है। सत्याग्रह दिल्ली महिला आयोग ने क्यों शुरू किया? ये सत्याग्रह हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि एक तो मैं मानती हूँ कि सरकार की चुप्पी है, वो चुपती है। इतना बार बोलने के बाद अगर सरकार चुप रहेगी इस इशू पे तो बिल्कुल चुपती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुपने वाली जो खामोशी है वो मुझे लगता है जनता की खामोशी है। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं बदलेगा। तो बेसिकली हमें लॉ बदलने की जरूरत है, हमें कानून में बदलाव लाना है। ऐसे कई सारे केस हैं, कई सारे जो नेताओं के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, लॉ मेकर्स के हैं, जिनमें उन पे खुद ही चार्ज लगा हुआ है। जब खुद ही इन लोगों पे चार्ज लगा हुआ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कानून में बदलाव लाया जाएगा? क्योंकि कानून का बदलाव तो इन्होंने नहीं लाना है, तो उसपे क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से मानती हूँ, बहुत दुख की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनकर सरकारों में हम लोग भेजते हैं जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के केसेस हैं, जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं। मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर आज भी देखें तो हमारे पार्लियामेंट में भी ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनके ऊपर पता नहीं कितने कितने केसेस हैं और किस तरीके के बड़े संगीन जुर्म के भी केसेस हैं। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन अभी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में तो जो अभी पार्लियामेंट है उनसे ही हमें बात करनी पड़ेगी। और मुझे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब सड़कों पे उतरेंगे, आज की स्थिति ये है कि ये एक वोट का इशू ही नहीं है। एक 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, सरकार इसलिए चुप है क्योंकि पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वोट लेने की बात आएगी तो बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज इस देश में क्रिएट कर दिए जाएंगे और एक 8 महीने की बच्ची के रेप के ऊपर एक चुप्पी होगी। मुझे लगता है कि उसको तोड़ने की जरूरत है, हम सबको सड़कों पे उतरने की जरूरत है और इसीलिए रेप रोको आंदोलन लॉन्च किया है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी हमारी टीम्स, बहुत सारी टीम्स हैं जो वॉलंटियर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों से बात कर रही है, चुप्पी तोड़ रही है रेप के ऊपर। और लोगों से मुझे लगता है बात करने की बहुत जरूरत है, जो मानसिकता बदलने की जरूरत है वो कैसे बदली जाएगी? एक तो डर पैदा करने से बदली जाएगी और दूसरी लोगों से बात करने से बदली जाएगी। देखिए, आपने बात करी कि सड़कों पे लोगों को उतरना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सड़कों पे तो निर्भया के समय पर भी बहुत लोग उतरे थे, मानसिकता तो उसके बाद बदली नहीं। आप ही के शायद डेटा है कि उसके बाद और भी ज्यादा रेप केसेस बढ़े गए हैं। तो लोग अगर सड़कों पे उतरेंगे तो मानसिकता कैसे बदलेगी, वो चीज थोड़ा सा वॉलंटियर भी समझना चाह रहे हैं और लोग जो आंदोलन में जुड़े हैं वो भी समझना चाह रहे हैं।
देखिए, मानसिकता कैसे बदल सकती है? मानसिकता तब तक बदल ही नहीं सकती जब तक एक डर ना हो। अगर एक आदमी को ये पता हो कि अगर मैंने किसी बच्ची के साथ कुछ गलत किया, हर हाल में मैं पकड़ा जाऊंगा और तुरंत पकड़ा जाऊंगा और मेरे ऊपर तुरंत एक्शन होगा, मुझे लगता है कि इतने बड़े देश के लिए इसी तरीके से मानसिकता बदली जा सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक कैसे अचीव होगा? जो सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं वो मैं सारे करके देख चुकी हूँ, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, कोर्ट जा चुकी हूँ, ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। और साथ ही साथ लोगों को सड़कों पे इसलिए भी उतरना पड़ेगा, अभी ज़ैनब जो पाकिस्तान में एक केस आप लोगों ने सुना होगा, 7 साल की बच्ची थी, बड़ी बर्बरता से उसके साथ बलात्कार किया और उसको मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान सड़कों पे उतरा और 1 महीने के अंदर अंदर उस पापी को 4 डेथ सेंटेंसेस दिए गए। और ऐसा नहीं है कि कोई तालिबान स्टाइल जजमेंट था, जब पाकिस्तान कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? क्या हम पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं? मुझे नहीं लगता। और मुझे इसीलिए लगता है कि लोगों को शांतिपूर्ण सड़कों पे आना पड़ेगा और हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि निर्भया के समय पे भी बहुत लोग सड़कों पे उतर कर आए थे, मैं खुद उतरी थी, हमने भी लाठियां खाई है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने लाठियां खाई है। और कहीं ना कहीं जब ये आंदोलन बहुत कुछ रिजल्ट भी निकलता तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें टूटती हैं। पर मुझे एक बात बताइए कि और क्या कर सकते हैं? संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये सोच लेना कि नहीं जी कुछ नहीं होगा, निर्भया के समय पे भी हम लोग उतरे थे फिर कुछ नहीं हुआ, निर्भया के समय पे जब लोग सड़कों पे उतरे थे तो बहुत कुछ बदला था, ऐसी बात नहीं है। पर केसेस ही इतने बढ़ गए हैं क्योंकि किसी ने उस वक्त ये देखा ही नहीं कि दिल्ली पुलिस के पास कितने रिसोर्सेस की कमी है, किसी ने उस वक्त बात ही नहीं करी कि आज की स्थिति दिल्ली पुलिस की ये है कि घरों में शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, घरों में ड्रग्स बिक रहे हैं। और जब हमारी महिलाएं और हम लोग मिलकर उस चीज से लड़ते हैं, शराब माफिया से लड़ते हैं, तो हमारी अपनी वॉलंटियर को 1.5 किलोमीटर तक नंगा करके शराब माफिया घुमाता है और पुलिस बस देखती रह जाती है। तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि पुलिस की जवाबदेही नहीं है, पुलिस के रिसोर्सेज नहीं है। आप इस वक्त किसी भी गली नुक्कड़ मोहल्ले में चले जाइए, सारी महिलाएं आपको बताएंगी कि कहां कहां इलाके हैं जहां पे ईव टीजिंग होती है, जहां पे छेड़छाड़ होती है, जहां पे मॉलेस्टेशन होते हैं, कौन से पार्क ऐसे हैं जिनमें लाइटें नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारी सरकारों को साथ आकर, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को साथ आकर इस मुद्दे पे अब मतलब संज्ञान लेना चाहिए और लड़ना चाहिए। आपने अभी कहा कि पुलिस वाले अगर ज्यादा रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा, लेकिन 97% रेप केसेस तो घर वाले ही कर रहे हैं, ये डेटा सामने है। तो आप जो घर में चीज दबाई जा रही है उसको कैसे आप बाहर लाएंगे जिससे रेप कम हो? देखिए, इसीलिए रेप रोको आंदोलन 2 पहलू पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल ये है कि हम सिस्टम से डिमांड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई बलात्कार छोटी बच्चियों का करता है तो बिल्कुल उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कि लोगों में डर बैठे। आज जो घर के अंदर रेप कर रहे हैं उन्हें ये पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उन्हें ये पता है कि इतने लंबे लंबे सालों तक केस चलते हैं कि उनकी जो घर की बेटी है वो ही टूट जाएगी, उसको वो तोड़ने में पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। तो ये बदलने की जरूरत है। सबसे पहले जैसे मैं कह रही हूँ, डर पैदा करने की जरूरत है, साथ ही साथ लोगों से बात करने की जरूरत है। बड़ा इंटरेस्टिंग है रेप रोको आंदोलन की, जब लड़कियां अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, वो बोर्ड ले लेके खड़ी हो रही है कि हाँ रेप को रोको, लोगों से बात कर रही है, कॉन्वर्सेशन शुरू कर रही है, चुप्पी तोड़ रही है, तो एक अजीब तरीके के डायनेमिक्स हो रहे हैं। अभी मुझे कुछ लड़कियों ने बताया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, अलग अलग जगहों पे जाके कैंपेनिंग कर रही थी, रेप रोको का बोर्ड लेके खड़ी थी, तो वहां पे कुछ लड़के आए और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ तुम छोटे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे साथ तो रेप हो गई। वहां पे कुछ और लड़के भी खड़े थे, वहां अंकल भी थे, आंटियां भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग साथ आए और सब लोगों ने लड़कियों का सपोर्ट करा और उन लड़कों को समझाया कि कैसे उनकी सोच गलत है। तो मुझे लगता है कि जो ये सिस्टम में चुप्पी है कि रेप हो गया, अरे अरे चुप हो जाओ, लड़की बर्बाद हो गई, लड़की की इज्जत लूट गई, मुझे लगता है कि ये जब बातें इस बारे में हम लोग खुल के कर पाएंगे एज अ सोसाइटी तो बहुत कुछ बदलेगा। और इसीलिए जो रेप रोको आंदोलन का मकसद है, एक तो बिल्कुल मानसिकता बदलना है, साथ ही साथ एक डर पैदा करना है। मैं ये चाहती हूँ कि भगवान ना करे अगली बार अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो सारे के सारे लोग सड़क पे उतर कर आए, आवाज लगाएं, एक साथ चिल्लाएं कि रेप रोको। तो मानसिकता में बदलाव चाहिए, कानून में बदलाव चाहिए। और अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून वो लोग लाए हैं जिसमें माइनर चाइल्ड रेपिस्ट को फांसी पे चढ़ाने वाला वो कानून है, वही चीज राजस्थान और हरियाणा की सरकार भी कर रही है।
तो ये चीज दिल्ली में कैसे लागू होगी वो सब जानना चाह रहे हैं, तो वो उस पे आप थोड़ा सा अगर। जी मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें ये कानून ला रही हैं, लेकिन ये कानून सिर्फ कानून ना रह जाए इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर पुलिस की जो पुलिस जो है, जितने पुलिस के संसाधन है अगर उतने ही रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे तो फिर इस कानून का कोई फायदा नहीं है। अगर पुलिस की जो जवाबदेही है वो तय नहीं की जाएगी, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा पुलिस स्टेशन में नहीं लगाए जाएंगे, तो इन कानूनों का कोई फायदा नहीं है, फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि निर्भया के मामले में भी 5 साल के बाद डेथ पेनल्टी तो दे दी गई, लेकिन क्या उससे डर पैदा हुआ? आज तक वो डेथ पेनल्टी भी नहीं एग्जीक्यूट की गई है। डर तभी पैदा होगा जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट की जाए, और इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दो। तो ये कानून अच्छी चीज है, लेकिन जब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं सेटअप होगा तब तक कुछ खास नहीं बदलेगा। और इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से लिख रहे हैं कि एक कानून बनाइए, पूरे देश के लिए बनाइए, दिल्ली के लिए भी बनाइए, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाइए, सब जगह के लिए बनाइए, और ऐसा सख्त कानून बनाइए, और प्रायोरिटी यही रखिए पुलिस को पूरे के पूरे संसाधन देने की जरूरत है। हमारे जो जवान है, पुलिस के भी ऐसे जवानों से मैं मिली हूँ दिल्ली महिला आयोग के टेन्योर के दौरान, 48-48 घंटे 72-72 घंटे हमारे पुलिस ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्यों उनको सपोर्ट नहीं है? जब तक उनके रिसोर्सेज नहीं बढ़ाओगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं सेटअप करोगे, फोरेंसिक लैब्स, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, इसके पूरे सिस्टम को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक इन कानूनों का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम बार बार डिमांड कर रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट कीजिए, जो बच्ची का रेप पूरा सिस्टम मिलकर करता है उसको बंद कीजिए। जो निर्भया के बाद जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद एक फंड बनाया गया था, निर्भया फंड था, वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप शायद हमारे कैंपेन में, आपके कैंपेन में कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे, जो वॉलंटियर भी जानना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो यूज नहीं हो रहे, जो एडिशनल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं। आई थिंक मेरे हमारे पूरे देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात ही नहीं हो सकती। निर्भया के साथ हुआ जो, वो सबको पता है, हम सब सड़कों पे आए थे, निर्भया फंड सेटअप किया गया, और उसकी आज ये हालत है कि 3,000 करोड़ निर्भया फंड के खर्च ही नहीं हो रहे। हर साल नया पैसा आ जाता है और पुराना पैसा खर्च नहीं किया जाता। मैंने प्रधानमंत्री जी को बहुत बार पत्र लिखे, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इसका कोई सिस्टम बना लीजिए, पूरे देश में सीसीटीवी कैमरास पुलिस स्टेशंस में लगा दीजिए, बसेस में सीसीटीवी कैमरास इसको लेकर, इस फंड को लेकर लगा दीजिए, फोरेंसिक लैबोरेटरीज ठीक कर दीजिए पूरे देश की, जो निर्भयाएं इस देश में आस लगाए बैठी हैं कि उन्हें कभी ना कभी तो न्याय मिलेगा, उनको कुछ सहूलियत देने के लिए फंड यूज कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये पूरा एक ऐसी चुप्पी है सरकार की कि निर्भया फंड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कानून भी नहीं बनाएंगे, हम रिसोर्सेज भी नहीं पुट अप करेंगे, महिला आयोग चिल्लाता रहे। मैं ये ठीक नहीं मानती, और इसीलिए इस वक्त हम लोग होप कर रहे हैं, क्योंकि इतने लाखों पत्र प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब इतने पत्र उनके पास आएंगे, जब लोग आवाज लगाएंगे, और 8 मार्च को दिल्ली में और देश भर में अलग अलग जगहों पे इवेंट हो रहे हैं, इस 8 मार्च को दिल्ली में सेंट्रल पार्क पे बहुत लोग आएंगे, सड़कों पे आएंगे, सुबह 9:30 बजे हम लोग एक मानव श्रृंखला बनाएंगे, और उसके साथ साथ लोगों को बस अपने बोर्ड लेके खड़े होंगे कि बस अब रेप रुकना चाहिए, और अगली बार अगर कहीं पे कुछ होता है तो ये सारे के सारे लोग फिर से सड़कों पे उतरेंगे। मुझे लगता है आंदोलन करना पड़ेगा, जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कुछ खास बदलाव नहीं होगा, और इसीलिए मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, मैंने तो अपनी जिंदगी को कौमा लगा दिया है, मेरे भी घर है, मेरा भी पति है, मैं भी अपनी जिंदगी में ठीक ठाक मेरी जिंदगी है, लेकिन मैं आज अपने घर भी नहीं जा रही, 34 दिन हो गए, और 37 दिन तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, 8 मार्च तक मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक 8 महीने की बच्ची के रेप के ऊपर मैं अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ना बंद करें। कल हो सकता है यही बच्ची 8 दिन की, कल हो सकता है यही बच्ची आपकी हो, तो आपको भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सेंट्रल पार्क 8 मार्च महिला दिवस पे आप लोग आइए, 9:30 बजे सुबह हमें वहां पे मिलिए, हम लोग अपने बोर्ड्स लेके एक शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाएंगे, और मुझे लगता है कि एक साथ हम लोग अब आवाज लगाएंगे जिससे कि जो बड़े बड़े किले हैं ये टूटे और इनके अंदर आवाज जाए। एक आखिरी सवाल आपसे, जो सबसे जरूरी सवाल ये है कि पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड
ऑल ओवर द कंट्री वॉन्ट टू ज्वाइन दिस मूवमेंट, अभी बहुत लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया और ज्वाइन भी करना चाहते हैं, तो कैसे हम इस मूवमेंट में जुड़ सकते हैं? जी, जैसे मैंने बताया, अभी 8 मार्च पे आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे आप इवेंट्स कीजिए, लोगों को जोड़िए। रेप रोको की हमारी वेबसाइट है www.raperoko.org। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको सारा पैम्फलेट मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, और ये सारे लोग इकट्ठा हों, प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजें और उनसे अपील करें कि 6 महीने के अंदर अंदर छोटे बच्चों को फांसी की, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाने का एक सिस्टम बनाए और रेप रोको आंदोलन से जुड़े। साथ ही हमारे व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल नंबर्स हैं 9313181181। इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल भी दीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कीजिए, और आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए। और देखिए, 8 मार्च को मुझे लगता है इस आंदोलन का पहला चरण है। अब ये आंदोलन हमें बहुत, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक समय तक हमें चलाना पड़ेगा, आपके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। अगर आप अपनी आंखें एक 8 महीने की बच्ची के रेप के बाद बंद कर लेते हैं तो मुझे लगता है हमारी इंसानियत मर चुकी है। आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको हर तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी पूरी सिटी में, चाहे आप बैंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं, तमिलनाडु में हैं या मेघालय में हैं, अगर आपको अकेले भी रेप रोको का बोर्ड लेके खड़ा होना पड़े तो आप खड़े होइए। आवाज जब एक इंसान लगाएगा तभी सब लोग साथ जुड़ेंगे, और आंदोलन में बहुत शक्ति होती है। मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से और संगठित तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा, जरूर बदलेगा।